मध्य प्रदेश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की दस्तक पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने चिंता जताते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीसी शर्मा का कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को सक्रिय होना चाहिए, लेकिन वो विदेशों में घूमने में व्यस्त है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के कहीं भी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हैं, सत्र में भी नहीं थे और आके कोरोना को और बढ़ावा दे रहे हैं। भाई समय विदेश जाना मतलब कोरोना को आमंत्रित करना है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें और कम से कम स्वास्थ्य जैसा विभाग इससे तो हटाएं कम से कम, जहां आज सक्रियता की जरूरत है। तीसरी लहर मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है, इंदौर भोपाल में बड़े ज्यादा से ज्यादा केस आ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में करीब 22 जिलों के अंदर ये ओमिक्रॉन आ चुका है और ये कोरोना बीमारी कब किस करवट मोड़ लेती है इसका कोई भरोसा नहीं है। पूरा अमेरिका और यूरोप में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि सरकार लॉकडाउन की तरह से प्रदेश को फिर ले जा रही है, लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे और कोई ठोस एक्शन नहीं है। गृह मंत्री जी कहा करते थे कि ओमिक्रॉन का फन हम कुचल देंगे, लेकिन सरकार पहली लहर दूसरी लहर में भी फेल हुई और तीसरी लहर में फेल होने की तैयारी कर रही है। प्रभुराम चौधरी जी की जितने मंत्री गए हैं सौदेबाजी में, इनको वैसे भी बीजेपी ने क्वारंटाइन कर दिया कि तुम सब बैठे हो, हम सब देख लेंगे, तो इनको बिठा रखा है, न तो इनसे काम लिया जा रहा है और न इनकी इच्छा है कि कुछ काम करें। ये भी अपने बैठे हुए हैं, ये उसी में लगे हुए हैं कि जितना भी जो भी इस सरकार के माध्यम से जो भी भ्रष्टाचार कर सके वो करें, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। सर अपनी जात का विकास किया, अपनी जात के लोगों को आगे बढ़ाया ओबीसी में। शिवराज सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है, निश्चित तौर पर तानाशाह हो गई। जो भी जनहित की बात को उठाता है उसको धारा है, कुछ 44 की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, उसकी बात को दबा दिया जाता है। विपक्ष अगर कोई परमिशन मांगता है तो वो परमिशन ये देते नहीं है। और अब और कमिश्नरी प्रणाली शुरू हुई है भोपाल और इंदौर में, तो मैं समझता हूँ और लोगों को अपनी बात रखना, जनहित की बात रखना, जो परेशानियां है चाहे वो बिजली की हो, चाहे वह महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो। और मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है उसमें केवल गरीबों के जो काम धंधे करते हैं छोटे छोटे दुकानदार उनको हटाया जाता है, इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन और कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग कंप्लेन करते हैं कि स्ट्रीट डॉग समूह में घूम रहे हैं। कल दुर्घटना हुई कि एक बच्ची को 5 डॉग ने घेर के उसके कान और लहूलुहान कर दिया। वहां टीम की टीम है पर उसका एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई अपनी बात उठाएगा तो उसको उठा के बंद कर देगी। सर एक बार प्रदेश में कोरोना दस्तक दिया, ये 17 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी ओबीसी खिलाफ रही है। 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, ये दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार की 2003 तब विधानसभा में पारित हुआ था। 15 साल में 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री आए, लेकिन इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। फिर कमलनाथ जी की सरकार आई, फिर 27% आरक्षण किया। अभी इन्होंने चुनाव जो कराए तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां इनके वकील उनको हाईकोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की बात कर पाए और उन्होंने कह दिया कि पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी के हो। आज लोग पूरे परेशान हैं, ओबीसी पंचायत चुनाव कैंसिल हो गए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से भी कमलनाथ जी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया कि भाई ओबीसी के साथ ही चुनाव होना चाहिए, बगैर ओबीसी के चुनाव न हो। और निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री निवास जा रहे थे बात करने के लिए, तो ओबीसी के नेताओं को
गिरफ्तार कर दिया और ऊपर से स्कैनिंग कोविड है, लेकिन बाकी सब चीजें हो रही, मेला हो रहा है, ये चाहिए, वहाँ कोविड नहीं है, लेकिन बाकी कोई अपनी बात करे, अपनी मांग करे तो कोविड है। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं लोगों के, कोविड काल में कहा था मुख्यमंत्री जी माफ होंगे, हमने विधानसभा में बताया था, उस पर कोई बात करता है तो कहते हैं कोविड है और उनको बंद कर दिया जाता है।